मैं इस वक्त हूँ कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा के गृहग्राम नागरास में। आप देख सकते हैं ये नागरास है और कवासी लखमा का गांव है, तो गांव उस लिहाज से थोड़ा सा विकसित नज़र आ रहा है। और ये नागरास का वो मतदान केंद्र जहां पे कवासी लखमा ने अपने परिवार के साथ मतदान भी किया है। ये सुकमा कोंटा के इलाके में आता है, नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है, इसलिए सुरक्षा की उस हिसाब से व्यवस्था भी की गई है। आपको नज़र आ रहे हैं सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं और ये मतदाता जो हैं वो आपको आपको दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जो है सुकमा के अलग अलग गाँवों में आपको तस्वीरें जो है दिखाई पड़ रही है और गाँव में ज़बरदस्त जो है उत्साह मतदाताओं का नज़र आ रहा है। बड़ी भीड़ है मतदाताओं की, जैसे हम शहरों में देखते हैं कि इस वक्त तो जो है शहर में लोग सो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइनें जो है सुबह 5 बजे से लगनी शुरू हो गई है, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, लेकिन लाइनें इसी तरीके से काफ़ी लंबी लंबी जो है नज़र आ रही है। और ख़ास तौर पर महिलाओं की जो लाइन है वो आपको लंबी नज़र आएगी। और वैसे भी जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पर महिलाओं का जो अनुपात है वो पुरुषों से कहीं ज़्यादा है और बस्तर में तो और भी ज़्यादा नज़र आता है। तो ये लोग जो हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, जो महिलाएं हैं, जरा बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राम है। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? इसी गांव की हैं? हाँ। अच्छा, कवासी लखमा जी आपके गांव के हैं? हाँ। अच्छा, क्या आया है इस इलाके में? मैं हूँ। अच्छा, अपनी भाषा में बोल दीजिए। क्या लाल गोंड के गोंडी? चलिए चलिए, तो मैं इनकी भाषा नहीं समझ पा रहा हूँ, शायद ये मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये छात्रा समझ जाएगी। क्या नाम है बेटा आपका? शांति। शांति, आप क्या करती, पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं शादी कर रही हूँ, अभी आई हूँ। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? जी मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। फर्स्ट ईयर की है। क्या लग रहा है, क्या परिवर्तन है, चुनाव को लेकर क्या उत्साह रहता है आपके इलाके में? सब कोई तो कांग्रेस को ही वोट देंगे बोलते हैं। अच्छा। अब क्या अच्छा है, क्या मतदाता क्या सोचते हैं, मुद्दे क्या रहते हैं, इस इलाके में क्या डेवलपमेंट आया, क्या विकास हुआ है? कि सब कुछ कांग्रेस को वोट देने से अच्छा है। अच्छा है, ऐसा है। खैर ठीक है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इसको बोलने बोलो सर। आप तो बोलो। नहीं 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 बोलूंगा। नाम क्या है आपका? कैसा? अच्छा, इसी गांव के रहने वाले हैं। जी जी। क्या बदला है आपके गांव में, क्या हुआ है? क्या हुआ पर, हम लोग अनपढ़ है, हम लोग नहीं जानते सर उतना। अच्छा, इस बार चुनाव को लेकर क्या उत्साह है, कौन कौन खड़े ये तो पता है ना? हाँ पता है। कौन कौन है? यार दादी यार क्या तो अरे कश्यप, क्या कश्यप बोलता है यार उसको, कश्यप महेश कश्यप। अच्छा ठीक है, नाम हम नहीं जानते होंगे, छाप जानते। अच्छा, क्या परिवर्तन आया इधर? नहीं जानते। हाँ? नहीं जानते सर। नहीं जानते क्यों, मतदान क्यों जरूरी है? जरूरी है सर, हमारे विकास के लिए जरूरी है। हाँ। हमारे यहाँ जो भी कमी है उसके लिए हम विकास करना चाहते हैं। हाँ। इसलिए हम वोट देना जरूरी है। वोट देना जरूरी है जी। अच्छा, क्या परिवर्तन देख रहे हैं समय के साथ, क्या बदला है सुकमा इलाके में? वही सुकमा इलाके में बहुत प्रगति है सर, इसलिए हम सरकार बदलना चाहते हैं, इसलिए हम वोट देना जरूरी है। चलिए, तो उत्साहित है मतदाता, जरूरी नहीं है कि वो अपनी बातों को जो है बोल कर व्यक्त कर पाए, वो हंस कर और मुस्कुरा कर ये बता भी देते हैं कि वो मतदान को लेकर कम से कम वो उत्साहित हैं। वो जिस भी जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं या चयन करते हैं उनसे उनकी उम्मीदें पूरी होती है या नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन वो मतदान करने के लिए हर चुनाव में इसी तरीके से पहुंचते हैं, जैसे लोकसभा के चुनाव की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन रेखराम के साथ वैभवसी पांडे, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, नागरास सुकमा।